सी गाइस, इसमें क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो सब एक दूसरे के साथ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। गाइस, हम लोगों ने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पास्ट ईयर क्वेश्चंस दैट केम इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, उसकी सीरीज स्टार्ट करी थी, आज उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। आज गाइस हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली एक रिलेशनशिप है किसी भी फर्म के आउटपुट, और मैं फर्म कह रहा हूँ, ये एक मैं सिंगुलर एंटिटी ले रहा हूँ। आप एक इंडस्ट्री की भी बात कर सकते हैं, आप एक इकोनॉमी की भी बात कर सकते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की भी बात कर सकते हैं, ठीक है? तो एक फर्म की मैं बात कर रहा हूं, उस हिसाब से आपको समझा देता हूं। प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको कि हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी वगैरह में भी यूज होता है, कई जगह एप्लीकेशन है, और यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में बहुत बार ये टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को समझते हैं और ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज, एज आई टोल्ड यू कि कोई भी फर्म है वो क्या करेगी? फर्म आउटपुट जनरेट करेगी, यस और नो? गुड्स प्रोड्यूस करेगी, ठीक है? जो भी वो गुड्स प्रोड्यूस करेगी उनको हम आउटपुट बोलते हैं, राइट? अब इस आउटपुट के लिए फर्म्स को गुड मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि वो थिन एयर से गुड्स प्रोड्यूस कर देगी, उसे कुछ इनपुट चाहिए, राइट और रॉन्ग? सो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए रिक्विजिट है इनपुट। इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट? ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, समझे? नाउ सी गाइस, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं टू मेक द टॉपिक इजी टू अंडरस्टैंड, हम दो चीजों को कांस्टेंट मान लेते हैं, लैंड और एंटरप्रेन्योर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनमें कोई चेंज नहीं आएगा तो फिर प्रोडक्शन फंक्शन, मान लीजिए कोई फर्म एक्स है तो उसका प्रोडक्शन फंक्शन हो जाएगा फंक्शन ऑफ एल कॉमा के, राइट? दिस इज योर प्रोडक्शन फंक्शन। यहां पर क्यू क्या है? दिस इज आउटपुट ऑफ फर्म एक्स, एल इज लेबर एंड के इज कैपिटल। गेटिंग मी? ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन हो गया किसी भी फर्म का। ओके, अब जरा समझिए, प्रोडक्शन फंक्शन को हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? प्रोडक्शन फंक्शन को पहले तो हम सेग्रीगेट कर सकते हैं पीरियड्स के हिसाब से। मतलब अगर प्रोडक्शन पीरियड, प्रोडक्शन टाइम इज लेस देन वन ईयर, यस और नो? सो इसको गाइस हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन पीरियड, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, अंडरस्टूड? एंड इफ प्रोडक्शन टेक्स टाइम और प्रोडक्शन टाइम ये एक साल से ज्यादा हो, देन वी कॉल इट लॉन्ग रन पीरियड। ओके,
So we can segregate production function in accordance to the time taken for production. If time taken for production is less than 1 year, then we call it short run production period or short run production function. If it is greater than 1 year, we call it long run production function. ठीक है, getting me? अब देखिए, अगर हम short run की बात कर रहे हैं, तो short run में क्या होता है? कुछ factors of production आपके constant रहते हैं और कुछ variable होते हैं, यानी change होते हैं. तो few factors यहां पर constant रहेंगे and few change होंगे, variable रहेंगे. समझी बात को? Few factors will remain constant and few factors will be variable. Whereas, if we talk about long run, तो यहां पे सारे के सारे factors variable होंगे. सारे factors long run में चेंज करेंगे, वेरी करेंगे. अंडरस्टूड? ओके, चलिए अब बात करते हैं एक और टर्म जिसका नाम है स्केल ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट डू वी मीन बाय स्केल ऑफ प्रोडक्शन? सो देखिए, स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली प्रोडक्शन कैपेसिटी को डिफाइन करता है किसी भी फर्म की. फॉर एग्जांपल, पेप्सी की बात कर लेते हैं कि कोई पेप्सी की एक कंपनी है, वो कितना प्रोड्यूस करती है? लेट्स से इट प्रोड्यूसेस 500 बॉटल्स पर डे. तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया पेप्सी का? इट इज 500 बॉटल्स इन अ डे. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अगर किसी भी कंपनी का स्केल ऑफ प्रोडक्शन या कैपेसिटी लार्ज है, देन वी कॉल इट लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और अगर स्केल ऑफ प्रोडक्शन या कैपेसिटी कम है, सो वी कॉल इट स्मॉल स्केल प्रोडक्शन. क्लियर? समझ गए? अब देखिए, अगर मैं एक और तरीके से सेग्रीगेट करूं प्रोडक्शन फंक्शन को, मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. सो इसमें पहला है आपका कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन टाइप. Production function. Second is variable proportion type production function. अब चलिए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. First is constant constant proportion type production function. See guys, इसमें क्या होता है कि जितने भी factors हैं production के, वो सब एक दूसरे के साथ constant proportion में रहेंगे, भले ही आप output को increase करें या decrease करें. इसको मैं एक example से आपको समझा देता हूं. For example, मान लीजिए आउटपुट आपका 10 यूनिट्स था, ठीक है? दो फैक्टर्स आप ले रहे हैं, लेबर और कैपिटल. लेबर 5 यूनिट यूज कर रहे थे, तो मशीन 1 थी. तो क्या प्रोपोर्शन था लेबर और कैपिटल के बीच में? 5:1 का, राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब आपने आउटपुट को इंक्रीज कर दिया. मान लीजिए आउटपुट हो गया आपका 15 यूनिट्स और लेबर हो गई आपकी 10 यूनिट्स और मशीन हो गई 2. आप अभी भी रेशियो ले लीजिए इसका, ये अभी भी 5:1 आएगा. आपने आउटपुट को वेरी किया, उसके लिए आपने अपना लेबर इंक्रीज किया, कैपिटल इंक्रीज किया, लेकिन जो रेशियो है लेबर और कैपिटल का, वो जितना पहले था 5:1, वही अभी भी है 5:1. एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन मेंटेन्ड है इस रेशियो के बीच में. यह होता है constant proportion type, and I have given example of increasing the factor of production. अगर आप decrease भी करेंगे constant proportion type में, तो भी proportion same ही रहेगा. समझे बात को? चलिए next है
वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, यहां पे आउटपुट को वेरी करने के लिए जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करेंगे तो क्या होगा, उनका जो रेशियो है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिल रहा था और हम 5:1 के रेशियो में लेबर और कैपिटल को यूज कर रहे थे, राइट? अब हम 20 यूनिट्स आउटपुट चाहते हैं, हमने कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया, लेबर को 10 यूनिट्स कर दिया। देखिए रेशियो चेंज हो गया लेबर और कैपिटल का। दिस इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। सो आई होप गाइस ये बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, कैसे कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है? सो आज हम लोग वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है? हम लोग अगला वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन को, इसको और डिटेल में, इसके कुछ और एस्पेक्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज इतना ही। आज इंट्रोडक्टरी फेज था प्रोडक्शन फंक्शन का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, समझ में आया होगा सब कुछ। एंड गाइज, इफ यू पीपल लाइक द वीडियोज, ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद कर रहे हैं, तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको ऐसे और वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में, माइक्रो से रिलेटेड, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, बाद में मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, सबके वीडियो बनेंगे, आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके उस डाउट को लिखिए, पूछिए मुझसे कि आपको ये नहीं समझ में आया, तो हम लोग उस पर भी देख करके वीडियो बनाएंगे, आपके डाउट्स रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? थैंक यू। We'll see you in the next video. Bye-bye. Take care.